नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। शाम के बज चुके हैं चार और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे कांग्रेस में बिखरा। उत्तराखंड में कांग्रेस की राजनीति शुरुआती दौर में बहुत मजबूत उपस्थिति रही और बहुत मजबूत स्थिति में भी रही। साथ ही सच ये भी है कि पार्टी किसी भी दौर में आंतरिक कलह से मुक्त नहीं हो पाई। 2012 में भी कांग्रेस को गुटबंदी से जूझना पड़ा। तीसरे विधानसभा चुनाव में सत्ता में आए पार्टी ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी विजय बहुगुणा को सौंपी थी। कांग्रेस संगठन उस वक्त भी आपसी खींचतान का शिकार रहा। पार्टी हाईकमान के फैसले से असंतुष्ट हरीश रावत समर्थक गुट सरकार पर दबाव बनाए रहा। 2014 में हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कांग्रेस में असंतोष थम नहीं सका। दूसरे धड़ों की नाराजगी के चलते 2016 में पार्टी को बड़ी फूट का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के 10 विधायकों ने ही अपनी सरकार के खिलाफ बगावत कर दी थी। बगावत से सदमे में आई पार्टी को उस वक्त जोरदार झटका लगा जब बागी विधायकों के बाद पार्टी के कुछ अन्य बड़े नेताओं ने भी पार्टी को बाय बाय कह दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव के मौके पर गुटबंदी से कमजोर हुई कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापसी नहीं कर सकी। कांग्रेस के बिखराव का परिणाम भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने के रूप में सामने आया। पिछले करीब 5 साल से प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी के रूप में भी कांग्रेस के भीतर एक दूसरे धड़े पर हावी होने की महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हो पाई। चुनाव में करारी हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाए गए प्रीतम सिंह को चुनावी साल में इस पद से भी हाथ धोना पड़ा। इसे भी पार्टी के भीतर गुटिया खींचतान का नतीजा माना गया। पार्टी हाईकमान ने संतुलन साधने के लिए प्रदेश संगठन का नेतृत्व बदलने के साथ ही 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति भी कर दी। संगठन में हुए इस बड़े फेरबदल के बाद भी चुनाव के मौके पर चेहरे को लेकर पार्टी में चल रही राल थम नहीं सकी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके समर्थक उन्हें चुनाव में बतौर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग करते रहे। चुनाव की ओर कदम बढ़ा रही पार्टी में चेहरे और सामूहिक नेतृत्व की जंग ने अंदर पड़ रहे असंतोष को सतह पर लाकर खड़ा किया। विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ प्रीतम सिंह का अघोषित युद्ध भी किसी से छिपा नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के बीच उत्तराखंड कांग्रेस एक बार फिर बिखराव के रास्ते पर दिख रही है। अब पार्टी को विश्वास में लिए बगैर वो राजनीतिक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। साफ है कि प्रीतम पार्टी के फैसलों से असहज है और बिना राजधानी में बिना संगठन को साथ लिए बड़ा प्रदर्शन कर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। आगे इस पर हम बातचीत करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखें। बीते दिवस पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने विधानसभा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर सचिवालय का घेराव का ऐलान किया। संगठन के पदाधिकारियों के नाम पर उसके साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना मौजूद थे, जबकि पीसीसी अध्यक्ष ने इस बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया। पार्टी जानकारों का कहना है कि यदि ऐसा होता है तो पार्टी की फजीहत होना तय है। एक तरफ पार्टी भारत छोड़ो यात्रा निकाल रही है, वही दूसरी पार्टी में ही गुटबाजी हो रही है। भाजपा इस मौके को भुनाने से नहीं चूकेगी। प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी से हटे हैं, तब से उनके तेवर पार्टी से इतर दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों अल्मोड़ा और फिर देहरादून में प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई दोनों बैठकों में प्रीतम गायब रहे। माणा से रुद्रप्रयाग तक निकली भारत जोड़ो यात्रा में भी वे दिखाई नहीं दिए। हालांकि उन्होंने इस दौरान हिमाचल चुनाव प्रचार में व्यस्त होने का हवाला दिया, लेकिन पार्टी सूत्रों की माने तो देवेंद्र यादव से उनके रिश्तों में आई खटास इसकी प्रमुख वजह है। प्रीतम हरिद्वार पंचायत चुनाव में मिली करारी हार के लिए खुले तौर पर प्रदेश प्रभारी को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ उनका अघोषित युद्ध भी किसी से छिपा नहीं है। अब पार्टी को विश्वास में लिए बगैर वह राजनीतिक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। साफ है प्रीतम पार्टी के फैसलों से असहज हैं और राजधानी में बिना संगठन को साथ लिए बड़ा प्रदर्शन कर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि हम 21 को यूके SSSC पेपर लीक प्रकरण, लचर कानून व्यवस्था, अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मुद्दों को लेकर सचिवालय का घेराव करेंगे। सचिवालय घेराव कार्यक्रम में सभी लोग आमंत्रित हैं। भाजपा के जो लोग इन मुद्दों से सहमत हैं वह भी इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रदेश के अंदर सरकार को बने हुए लगभग 9 माह का समय हुआ और इन 9 महीनों में जिस तरीके से
भर्ती घोटाले हुए हैं, चाहे वो आयोग के माध्यम से हो चाहे विधानसभा हो। नौजवान साथियों की भविष्य के साथ सरकार ने कुठाराघात करने का काम किया है। दूसरा, प्रदेश की कानून व्यवस्था, अंकिता भंडारी हत्याकांड, मंत्री की हत्या का षड्यंत्र, हमारे विधायक आदेश चौहान जी के साथ जो व्यवहार SSP उधम सिंह नगर ने किया, वो प्रमुख के घर में घुस करके उनकी पत्नी की गोली मार के हत्या होना, प्रधान के घर में घुस करके गोली मार करके उनकी हत्या होना, आए दिन प्रदेश के अंदर जो है हत्या, चोरी, लूट, डकैतियां हो रही हैं। और हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस तरीके से मुकर्रर अंसारी जी और उनके लोगों पर प्रतिशोध की भावना से मुकदमे दायर किए गए हैं, इन सब के विरोध में 21 नवंबर को हम सचिवालय कूच करने का काम करेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू होगी। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि यात्रा को जनता का काफी सहयोग मिल रहा है। 14 नवंबर से यात्रा को फिर शुरू किया जाएगा। 14 से 19 नवंबर के बीच कांग्रेस इस प्रदेश भर में पखवाड़े के रूप में मनाएगी। 19 नवंबर का दिन महिलाओं को समर्पित होगा। अंकिता भंडारी समेत तमाम महिलाओं से जुड़े मुद्दों को इस दिन प्रमुखता से उठाया जाएगा। वहीं यात्रा के दौरान राहुल गांधी द्वारा उठाए जा रहे राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही स्थानीय मुद्दे, भर्ती घोटाला, अंकिता भंडारी हत्याकांड, कानून व्यवस्था समेत सभी ज्वलंत मुद्दों को जनता के सामने रखा जाएगा। वहीं इस गुटबाजी के बीच कांग्रेस पार्टी को प्रदेश में जल्द बड़ा झटका लग सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर पदाधिकारी भारी तादाद में जल्द भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। फिलहाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पार्टी के किसी भी सीनियर पदाधिकारी या कार्यकर्ताओं के नामों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के भारी तादाद में कार्यकर्ता जल्द भाजपा में शामिल होंगे। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, एक जहां भी जा रहे हैं वहां के लोकल लोग बहुत उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, और मुझे खुशी है कि बद्रीनाथ भगवान का आशीर्वाद लेके, घंटाकरण जी का आशीर्वाद लेके हमने इस यात्रा को शुरू किया। और हमारी अब 14 तारीख से एक यात्रा, इसको आगे कंटिन्यू हम कर रहे हैं। 14 तारीख से लेके 19 नवंबर तक, इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन तक, हम इसको पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। इसमें हर ज़िले पर वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ के सम्मानित नेतागण इस यात्रा को आगे को बढ़ाएंगे, और बहुत सारे मुद्दे उसमें हैं। 19 तारीख को हमने महिलाओं पर फोकस किया है, जो अंकिता भंडारी केस है, ममता का केस है, पिंकी का केस है, हमारे जगदीश आर्या का केस है, इन सारे केसेस के को लेकर उस दिन यात्रा में मुख्य आंसर जो होंगे ये होंगे। 14 तारीख को जो राहुल जी के हैं, भारत को जोड़ने से संबंधित एकता अखंडता के लिए हम काम करने की बात करेंगे। जब ये भारत जोड़ो के नाम से चल रहे थे, भाई भारत जोड़ो नहीं, अपने कांग्रेस जोड़ो में लो, और ये भी दिखाई देगा, और बड़ी संख्या में दिखाई देगा कि बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता भी हम शामिल करने वाले, बड़ी संख्या में लोग आने वाले। बहरहाल उत्तराखंड कांग्रेस का बिखराव बीजेपी को आने वाले 2024 के चुनाव में फायदा पहुंचा सकता है। हालांकि बीजेपी इसमें कांग्रेस से कहीं आगे निकल चुकी है। देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस तमाम चुनावों से कोई सबक लेगी, या फिर इस चुनाव में भी कांग्रेस की अंदरूनी कलह बीजेपी को फायदा देगी। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। जी हाँ, तो एक ओर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की में बिखराव देखने को मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच उत्तराखंड कांग्रेस एक बार फिर बिखराव के रास्ते पर दिख रही है। अब पार्टी को विश्वास मिले बगैर राजनीतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है प्रीतम सिंह द्वारा। साफ है कि प्रीतम पार्टी के फैसलों से असहज हैं और राजधानी में बिना संगठन को साथ लिए बड़ा प्रदर्शन कर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, जिसका कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रीतम सिंह गुट ने 21 को सचिवालय घेराव का ऐलान किया है, लेकिन इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कोई जानकारी नहीं। साफ है कि प्रीतम एकला चलो की राह पर शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। संगठन से जुड़े लोग उहापोह की स्थिति में हैं कि सचिवालय घेराव में शामिल हो या नहीं हो। बीते दिवस पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने विधानसभा में एक प्रेसवार्ता का आयोजन कर सचिवालय घेराव का ऐलान किया। संगठन के पदाधिकारियों के नाम पर उसके साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना मौजूद थे, जबकि PCC अध्यक्ष ने इस बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया है। पार्टी जानकारों का कहना है कि यदि ऐसा होता है तो पार्टी की फजीहत होना तय है। एक तरफ पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, वहीं दूसरी पार्टी में ही गुटबाजी हो रही है। भाजपा इस मौके को भुनाने से चूकेगी नहीं।
प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष की जब कुर्सी से हटे तब से उनके तेवर पार्टी से इतर दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों अल्मोड़ा और फिर देहरादून में प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई दोनों बैठकों में प्रीतम सिंह गायब नजर आए। माड़ा से रुद्रप्रयाग तक निकली भारत जोड़ो यात्रा में भी वो दिखाई नहीं दिए। हालांकि उन्होंने इस दौरान हिमाचल चुनाव प्रचार में व्यस्त होने का हवाला दिया था, लेकिन पार्टी सूत्रों की माने तो देवेंद्र यादव से उनके रिश्तों में आई खटास इसकी प्रमुख वजह है। प्रीतम हरिद्वार पंचायत चुनाव में मिली करारी हार के लिए खुले तौर पर प्रदेश प्रभारी को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ उनका अघोषित युद्ध भी किसी से छिपा नहीं रहा। अब पार्टी को विश्वास में लिए बगैर वो राजनीतिक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। साफ है कि प्रीतम पार्टी के फैसलों से असहज और राजधानी में बिना संगठन को साथ लिए बड़ा प्रदर्शन कर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। बीते कई दिनों पहले प्रदर्शन के संबंध में पूछने पर प्रीतम सिंह ने एक कविता की दो पंक्तियों में अपना उत्तर दिया था। प्रीतम ने कहा था, ना थके हैं पांव अभी, ना ही हिम्मत हारी है, ये खेल चाहे जिसका भी हो, अब इस खेल में हमारी बारी है। इन पंक्तियों में वो अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं। पार्टी संगठन स्तर पर प्रीतम सिंह की ओर से इस संबंध में कोई राय मशवरा नहीं किया गया, ना ही उन्होंने मुझसे इस संबंध में कोई बातचीत की है। हालांकि वो भाजपा सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं, हो सकता है उनका यह अपना कार्यक्रम हो। हम लोग फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम में व्यस्त हैं। ये बातें कही हैं करण महाराज, जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो क्या कांग्रेस में बिखराव अब जो है वो खुलकर सामने आने लगा है? क्या अभी भी गुटबाजी जो है वो देखी जा रही है? विधानसभा की अगर हम बात करें, विधानसभा चुनाव जो जिस वक्त हुए उस दौरान भी प्रीतम सिंह और हरीश रावत गुट, ये दो गुट नजर आ रहे थे, जिनकी वजह से कांग्रेस में बिखराव की स्थिति उस वक्त भी नजर आ रही थी। हालांकि कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि कांग्रेस में बिखराव चल रहा है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर कितना फायदा होने वाला है, कांग्रेस की इस जो गुटबाजी चल रही है इसको लेकर कांग्रेस को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, साथ ही साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में इस पर क्या असर पड़ेगा ये भी देखना होगा। क्योंकि एक और जहां कांग्रेस इतनी मेहनत कर रही है, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, वहीं उत्तराखंड की राजनीति में अलग ही यहां पर जद्दोजहद चली आ रही है कि पार्टी को कैसे भी एक करे, लेकिन ऐसा होना संभव नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शीशपाल सिंह बिज जी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनीता विद्यार्थी जी, प्रदेश प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुकी है। संगीता शर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुकी है आम आदमी पार्टी से। पीसी थपलिया जी, वरिष्ठ यूकेडी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ अरुण शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीशपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम अभी पिछले 3-4 बार डिबेट जो हुई उसमें कहीं ना कहीं से ये मुद्दा निकल कर आ ही जा रहा था कि कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है। और जहां तक मुझे याद है कि अभी बहुत टाइम पहले, मुझे लगता है काफी टाइम से आप डिबेट का हिस्सा नहीं रहे हैं, और बहुत टाइम पहले जब मेरी आपसे चर्चा हो रही थी उस वक्त भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कांग्रेस में बिखराव चल रहा है। लेकिन कांग्रेस का मजाल है कि कोई प्रवक्ता इस बात को स्वीकार कर ले कि यहां पर गुटबाजी चल रही है, यहां पर कांग्रेस में रार देखने को मिल रही है। क्या इस बार भी आप अभी मना करेंगे? अपना पहला आप जो वक्तव्य शुरू करेंगे तो यही कहने वाले हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, देखिए ये सीधी आप जो पहली डिबेटों का हवाला दे रही हैं, मैंने पहली डिबेटों में भी जो कहा होगा, मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ। देखिए कांग्रेस पार्टी आज जिस तरह से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों को लेकर के घर घर तक भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जा रही है, जिस प्रकार बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में अभी तक VIP का नाम सामने नहीं आया और पुलिस की ओर से लीपापोती वाला बयान आ रहा है, किसी कमरे का नाम VIP के नाम से जोड़ा जा रहा है, ये बड़ी हास्यास्पद सी चीजें हैं। आप अग्निवीर के मामले में बेरोजगार नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं 100 नंबर लाने के बाद, NCC का सी सर्टिफिकेट होने के बाद, और इस केस में आपने देखा केदार भंडारी, इन्हें जिस प्रकार से पुलिस अभिरक्षा में उसकी हत्या हुई और पुलिस ने पहले पूरी सरकार ने उसको नकारा, बाद में कोर्ट से जो है अधिकारियों के विरुद्ध जो है केस दर्ज करने के आदेश हुए, और इसी प्रकार बेटी ममता का, बेटी पिंकी का तमाम मामला, और अभी बीते 3 दिन पहले मुख्यमंत्री आवास में जो है एक बेटी सुलेखा ने आत्महत्या की, जिस प्रकरण को दबाया जा रहा है और उस वो भी अभी संदिग्ध है, और प्रदेश में जिस तरह से एक कैबिनेट मंत्री को जान का खतरा था, एक कैबिनेट मंत्री के भाई के घर में डकैती हो रही, पुलिस पर दिन दहाड़े हत्या हो रही, तो कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था, इन सब बातों का कांग्रेस के बिखराव से क्या लेना देना? मैं बता रहा हूँ ये कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, मुख्यमंत्री इसको संभाल नहीं पा रहे हैं।
अब बताइए इन मुद्दों पर जनता सड़क पर है, विपक्ष का क्या कर्तव्य? विपक्ष भी लगातार जनता की अदालत में ही जाएगा और लोकतंत्र में रैली धरना प्रदर्शन और जनता के बीच जाना यही अधिकार है, और कांग्रेस के नेता लगातार सरकार के विरुद्ध मुखर है। उसी के क्रम में 21 तारीख को अगर आदरणीय प्रीतम सिंह जी सचिवालय घेराव का कार्यक्रम उन्होंने आहूत किया तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस लगातार विभिन्न माध्यमों से विभिन्न तरीकों से सरकार पर हमलावर है और उसी तरह से 21 तारीख को भी सचिवालय का घेराव कांग्रेस पार्टी करेगी, उसका नेतृत्व तो प्रीतम सिंह जी कर रहे हैं। करण महाराज जी जा रहे हैं क्या इस आपके जो भी आप सचिवालय का घेराव करने जा रहे हैं, करण महाराज जी पहुंच रहे हैं क्या? जानकारी है उनको इस बात की? निश्चित निश्चित यशी जी आप इंतजार कीजिए, 19 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद 21 तारीख को अगर देहरादून में करण महाराज जी रहते तो निश्चित तौर पर हम सब लोग उसमें शामिल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। ठीक है शीशपाल जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। सुरीता विद्यार्थी जी, कांग्रेस में जो रार चल रही है, देखिए शीशपाल जी तो खैर नहीं मानेंगे, उन्हें मानना भी नहीं चाहिए, प्रवक्ता है वो चूंकि, अब बताइए जो रार चल रही है इसको भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देख रही है और आने वाले चुनाव में इसको भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लेगी? हेलो, अनम्यूट करें प्लीज। हेलो जी, देखिए सबसे पहले यशी मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि प्रीतम सिंह जी ने बड़ी पंक्तियों से जो है सचिवालय कूच करने की बात कही है, उन्हीं पंक्तियों के संदर्भ में मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना भावार्थ कर दूं कि न रखे पांव धरा पर कभी, न किया कोई काम है, 70 वर्षों की लूट पाट का हुआ काम तमाम है। तो ये जो यात्राएं हैं, कुछ यात्राएं साउथ में चल रही हैं, कुछ यात्राएं माणा में चल रही हैं और कुछ यात्रा जो है कूच कर रही है सचिवालय की ओर। इन्होंने तमाम यहाँ पे मुद्दे गिनाए जो रोज मुद्दे विपक्ष उठाता है और अच्छी बात है क्योंकि इसीलिए विपक्ष वहां पे बना भी है, और अगर अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, विपक्ष के धर्म का पालन नहीं करेगा तो ये विपक्ष में भी नहीं रहेंगे, इस बात का इनको अच्छे से एहसास है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि करण महाराज जी ने साफ शब्दों में नकारा इस बात को कि उन्हें ऐसी किसी कूच की कोई जानकारी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हरीश रावत जी को ऐसे सचिवालय कूच की कोई जानकारी नहीं है। तीसरी बात, नेता प्रतिपक्ष आर्य जी को ऐसे कूच की कोई जानकारी नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि गुटबाजी, अंतर्कलह और जो कलेश इनकी पार्टी में है उसका खामियाजा जनता भुगत रही है, क्योंकि जो 19 विधायक कांग्रेस को दिए जनता ने, वो लोग भी इनकी लड़ाई में, अंतर्कलह में कहीं ना कहीं पिस रहे हैं। और यही कारण है कि भारत जोड़ो यात्रा तो बात की बात है, कांग्रेस छोड़ो जरूर हो रहा है, लगातार कोई सचिवालय कूच के माध्यम से छोड़ेंगे, कुछ माणा के माध्यम से छोड़ेंगे और कुछ तो आपने देखा ही है, G23 इनका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, दिल्ली में आए बड़े नेता जो है इनकी पार्टी को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। देखिए भाजपा और कांग्रेस में एक मेजर डिफरेंस है, वो है नीति और नीयत का। हमारी पार्टी नीतिगत है, हमारी पार्टी नीतियों पे काम करती है, डिसिप्लिन पे काम करती है, और कांग्रेस पार्टी नीयत पर काम करती है जो कभी भी इनकी अच्छी नहीं रही। अब आप बताइए कि संगठन ही है इनके पास इस वक्त, इसके पास इस अभी जो है इनके पास सत्ता नहीं है। लेकिन संगीता जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर बात तो नहीं करूंगी, लेकिन नीति जरूर आपकी मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी में एक चीज जो देखने को मिलती है वो ये कि संगठन की वजह से डिसिप्लिन पार्टी में देखने को मिलता है। अगर रार चल भी रही होगी, चल रही है इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन वो सामने नहीं, कोई रार नहीं चल रही, लेकिन एक बात जरूर है कि हमारी पार्टी में हर व्यक्ति जज्बा रखता है बोलने का कि कहां पे कौन गलत है, क्या चीजें गलत हो रही है, और यही सबसे अच्छी खूबसूरती है लोकतांत्रिक एक व्यवस्था की। ठीक है सुनीता जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। संगीता जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? संगीता जी सुन पा रही हैं आप मुझे? जी आ रही आपकी आवाज? जी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी संगीता जी आप मुझे सुन पा रही हैं? देखिए यश जी, जो वैसे ये कांग्रेस का अपना है, मेरी आवाज आ रही है आपको यश जी? हाँ जी हाँ जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। यश जी मैं ये कह रही हूँ कि ये कांग्रेस का अपना तो
संगीता जी का शायद कुछ नेटवर्क इशू है ना, फिर से कनेक्ट करने के लिए हम लगातार शुरू से देख रहे हैं। संगीता जी मैं वापस आऊंगी, आपका शायद कुछ नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ पा रही, हम आपको फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पीसी थपिला जी, कांग्रेस में लार है साफ नजर आ रहा है और इसका असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। जी लार तो दोनों ही, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई और एक सिक्के के दो पहलू होने के बावजूद भी जो ये 70 साल की लुटेरों की गिनती में कांग्रेस को रख रहे हैं, तो पूरा देश देख रहा है कि 8 साल में डकैतों ने पूरा रिजर्व बैंक लूट लिया है, पूरा गुजरात के 8-10 लोग बैंक लूट के विदेशों में भाग चुके हैं, और जिस तरह से हमारे संस्थान जो इतने सालों से बने हुए थे किस तरह से उनको गिरवी रखकर बेचकर दो लोगों को पूरा देश का संसाधन दिए जा रहे हैं वो देश देख रहा है। लोकतंत्र में कॉन्ट्राडिक्शन साइन ऑफ प्रोग्रेस होता है, जहां वो अगर कोई लोकतंत्र की परिभाषा जाने तो आज हमें खुशी है कि जो ये हिटलर शाही राजनीति को जन्म देने वालों को गडकरी जैसे नेता चुनौती देते हुए दिख रहे हैं, वरुण गांधी जैसे युवा नेता चुनौती देते हुए दिख रहे हैं, उनका भी हमें पूरा नंगा नाच इस देश के राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है। दूसरी ओर G23 की बात करने वाले ये भूल रहे हैं कि उसी को संज्ञान में लेते हुए कांग्रेस की लीडरशिप ने ऐसे अपना अध्यक्ष चुने जो परिवार से बाहर थे, और यहाँ परिवार के व्यक्ति को एक बोलते है कुछ है करते कुछ है, ये मतलब जिस तरह से एक गृह मंत्री के बेटे को सीधा BCCI का मालिक या वित्त का भी अधिकार दिए गया, कल हम सब अचंभित है कि क्या बातें करते हैं, किस तरह से ये परिवारवाद फैलाकर दूसरे को जो जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी इस देश के लिए दी है उनकी तरफ उंगली करते हैं। जहां तक प्रीतम सिंह का सवाल है, प्रीतम सिंह देहरादून से हैं और देहरादून में उस जौनसार क्षेत्र से हैं जहां की संख्या को संख्या बल के आधार पर वे इस सत्ता को चुनौती देने में सफल होंगे, क्योंकि हम जानते हैं हम जो दूर दराज के जो पौड़ी के लोग हैं जो कुमाऊं के लोग हैं वो इस सत्ता को जो देहरादून में बैठकर निरंकुश होकर यहाँ पे अकीदा हत्याकांड जैसे और जो हमारी अनामिका का जो दिल्ली में जो जो चीज देखिए, मैं आपकी ये सब बातें अगर मान भी लूं तो कांग्रेस जो मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, अगर इस तरीके की चीजें कांग्रेस में होंगी तो कौन उठाएगा जनता के मुद्दे, कौन जनता के हक की बात करेगा? नहीं देखिए आप भूल, देखिए मैडम आप इस चीज को अनदेखा न करिए, प्रीतम सिंह जी ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मुद्दे पे मेरे साथ है। देखो भारतीय जनता पार्टी में क्या लोगों का दिल दर्द दुख नहीं रहा होगा, वहां भी तो ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं इनको देख के, इनकी हिटलर साहिब हम उसी संगठन की भी तो बात कर रहे हैं, डिसिप्लिन की भी तो बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में क्या इतनी हिम्मत है कि वो प्रीतम सिंह के ये जो घेराव करने जा रहे हैं इसमें शामिल होंगे? कोई नहीं शामिल होने वाला है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहां हिटलर राज है, लोकतंत्र होता तो आते लोग, आज लोकतंत्र में अंकिता के साथ खड़े होते लोग, सारे महिला संगठन चुप खड़े हो रखे हैं, लोकतंत्र नाम की वहां चीज ही नहीं है, वहां तो दो मिनट में, वहां तो मैं बोला नहीं कि हमारा चीफ मिनिस्टर थोड़ी है, चीफ मैनेजर है, अगर उसको कहा जाए कि उत्तराखंड की रजिस्ट्री कर दे दिल्ली वालों के नाम में कर देगा, ये स्थिति है मेरे राज्य की। हम खुला नंगा नाच इनका देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने इस राज्य में लूट मचा रखी है, किस तरह से ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, किस तरह से ये उन अपराधियों को बचा रहे हैं। हमने कभी ये चीज हमने देखा था कांग्रेस में, वे हमेशा इंटेलेक्चुअल लोगों को हाथ देकर आगे बढ़ाते थे, उन्होंने सैम पैट्रोडा जैसे लोगों को यहां लाए, उन्होंने मनमोहन सिंह जैसे को प्रधानमंत्री बनाया, और इनकी राजनीति सबसे मूर्ख आदमी को आगे बढ़ाएंगे, उस आदमी को तबलिया जी, ठीक है ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास, इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं कांग्रेस में बिखराव, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चौल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। हर कदम नए आयाम गढ़ रहा है, हर रोज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। इस साल 45 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने चार धाम यात्रा का सुख पाया। विकास एवं पुनर्निर्माण के क्षेत्र में
केदारनाथ धाम में 750 करोड़ और बद्रीनाथ धाम में 550 करोड़ रुपए के कार्य चल रहे हैं। रेल, रोड, रोपवे और उड़ान की मदद से यात्राएं और जनजीवन हुआ आसान। 35,000 करोड़ रुपए का निवेश बताता है कि उद्योगों की पहली पसंद बन गया है उत्तराखंड। स्टार्टअप श्रेणी में लीडर बन गया है उत्तराखंड। नंदा गौरा योजना में 82,000 बालिकाओं को 332 करोड़ रुपए का भुगतान व 7 लाख से अधिक घरों में पानी के कनेक्शन से जीवन हुआ आसान। सिर्फ यही नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 7,000 पदों पर शीघ्र भर्ती मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत 1267 करोड़ रुपए की लागत के 9.7 किलोमीटर लंबे गौरी कुंड केदारनाथ रोपवे व 1163 करोड़ रुपए की लागत के 12.40 किलोमीटर लंबे गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का हुआ शिलान्यास। नजीबाबाद अफजलगढ़ बाईपास पर चल रहे कार्य से कुमायूं गढ़वाल की दूरी होगी 20 किलोमीटर कम। बिजली से वंचित गांव का शत प्रतिशत विद्युतीकरण इस बात के साक्षी है कि उत्तराखंड का विकास हर दिन दुगनी रफ्तार से हो रहा है और हर वर्ग के इंसान को इसका फायदा पहुंच रहा है। ना रुका है ना रुकेगा उत्तराखंड, हर रोज आगे बढ़ेगा। संकल्प नए उत्तराखंड का। प्रतिशत शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। बावर्ची। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पे बिखराव की और चर्चा इसी पर कर रहे हैं। हमारे सुब्रज पत्रकार अरुण शर्मा जी भी लगातार बने हुए हैं। अरुण जी, ब्रेक में जाने से पहले आपने यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों को भी सुन लिया है और जिस तरीके से हमने यहाँ पर शीशपाल जी को सुना था कि शीशपाल जी तो साफ मुकर गए कि ऐसा कुछ है नहीं, हालांकि जो दिख रहा है वो हम सभी को दिखाई दे रहा है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो इससे पहले हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि कला नहीं है, है, लेकिन वहां की कला जो है वो निकलकर सामने नहीं आती क्योंकि कहीं ना कहीं वहां का जो संगठन है वो इतना मजबूत है और इतना डिसिप्लिन्ड है कि वो अंदर कोशिश करते हैं कि चीजें सुलझ जाए तो बेहतर है और जनता के सामने वो सब ना आ पाए और कहीं ना कहीं यही इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो मैंने अपनी शुरुआती डिबेट में ही बहुत सारी चीजें बताई कि कैसे साल दर साल इस गुटबाजी की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। यशी जी, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ही कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर सारे कांग्रेसी एक होते जी तो कांग्रेस की ये दुर्गति नहीं होती। शीशपाल भाई भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। लगातार ऊपर से नीचे तक देखिए, सबसे पहले इंदिरा गांधी ने पार्टी तोड़ी थी अगर आपको याद हो जी, और उसके बाद वो प्रधानमंत्री थी उस टाइम, उन्होंने पार्टी तोड़ी और बाद में ये प्रूव किया कि यही असली पार्टी है क्योंकि सारे सत्ता समीकरण उनके हाथ में थे। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो क्या आप ये भूल गए कि जब नारायण दत्त तिवारी 5 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो हरीश रावत प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए रोज उनके खिलाफ कुछ ना कुछ माहौल बनाते रहते थे। मजबूर होकर तिवारी जी को कहना पड़ता था मैं दिल्ली वापस जा रहा हूं तो सारे के सारे दिल्ली की दौड़ लगाने लगते थे। क्या हम भूल गए ये चीजें? या इसके बाद जब विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया था तब क्या हरीश रावत ने कम प्रपंच किए थे और उसके बाद हरीश रावत मुख्यमंत्री बने तो क्या स्थितियां हुई? देखिए ये आप भी देखते हैं और मैं भी देखते हैं और सबको दिख रहा है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस में
शिशपाल भाई की नौकरी वहां पक्की है और वो अपनी नौकरी नहीं खोना चाहते तो वो कुछ बोलेंगे नहीं, ये देख लीजिए। लेकिन जानते वो भी सब कुछ है और एक अच्छी बात है, प्रीतम भाई बहुत पुराने नेता है और उनके पिताजी भी बहुत पुराने कांग्रेसी थे, उनके पिताजी भी कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे उत्तर प्रदेश के जमाने में, और उस टाइम तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी होती थी, पूरा पछवा दून उसमें आता था, और आज वो कॉन्स्टिट्यूंसी 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर बढ़ गई है तो उसके बाद प्रीतम भाई एक छोर संभाले हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के जमाने से, पहले MLC थे अब MLA हैं और लगातार चुनके आ रहे हैं और बड़ा नाम है। अगर प्रीतम भाई ने कोई 21 नवंबर की कॉल की है तो निश्चित तौर पर इसके बड़े मायने हैं जी। और ऐसा नहीं है कि केवल उत्तराखंड में गुटबाजी हो, केंद्र स्तर पर भी गुटबाजी है, तो कहीं ना कहीं प्रीतम भाई अगर देवेंद्र यादव से 36 का आंकड़ा है, किसी के और किसी न किसी और नेता का हाथ पीठ पर होगा तभी प्रीतम भाई एकला चलो करके पूरे कांग्रेस को अपने पीछे लाम बंद करना चाह रहे हैं जी। अच्छी जी जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास अरुण जी। संगीता जी, अपनी बात को पूरा कर सकती हैं आप, अगर आपको आवाज आ रही है तो। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू। देखिए यशी जी, जो एक बिखराव की स्थिति और गुटबाजी और अंतरकलह है, ऐसा लगता है जैसे ये शब्द कांग्रेस के साथ बिल्कुल जुड़ गए हैं और हटना ही नहीं चाह रहे। हम शुरू से लगातार देख रहे हैं और अभी हमारे शर्मा जी जो भाई बैठे हुए हैं उन्होंने भी पूरा शुरू से अब तक का बताया कि उत्तराखंड बनने के बाद किस तरह से इनके एक नेता दूसरे के कांग्रेस, इंदिरा जी का मुझे एक जो उन्होंने कहा था वो याद आता है कि कांग्रेस को खत्म केवल कांग्रेस ही, कांग्रेस जो देश की इतनी बड़ी पार्टी थी और सबसे ज्यादा राज अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस ने ही किया, उसी ने सरकार को चलाया। लेकिन आज वो कितना हाशिए पर नजर आती है हर राज्य में, तक ये एकजुट नहीं होंगे इससे किसी दूसरी पार्टी को नुकसान नहीं है यशी जी, ना भाजपा को नुकसान है, ना आम आदमी पार्टी को नुकसान है, उन्हें तो फायदा ही होगा दूसरे दलों को, तो इन्हीं को नुकसान है, ये लगातार और हाशिए पे जाते जाएंगे। हमने चुनाव देखा हिमाचल में, चुनाव से पहले 26 लोग इनके भाजपा में चले जाते हैं और वहां इनके बड़े लीडर नहीं पहुंचे। हमने चंपावत का उत्तराखंड में जब चुनाव देखा, ये अपनी प्रत्याशी और बाद में उन्हें कितना कुछ कहना पड़ता है, अभी हम गुजरात में भी देख रहे हैं। तो अगर आपके लिए चुनाव इंपॉर्टेंट है तो आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और चुनाव को दरकिनार कर रहे हैं तो ये भी गलत है। और यदि भारत जोड़ो यात्रा इंपॉर्टेंट है तो आपने माणा से शुरू की यात्रा, वहां आपके नेता नजर नहीं आए। अब ये दूसरा जो यात्रा प्रीतम सिंह जी शुरू कर रहे हैं, एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं यहाँ की जनता के लिए, तो इनकी पार्टी पार्टी के लोगों को ही नहीं पता है। आप सोचिए ऐसे में कार्यकर्ताओं के सामने किसके गुट में शामिल हो, कि वो प्रीतम सिंह जी के गुट में जाए, कि वो हरीश रावत जी के गुट में जाए, कि वो करण महाराज जी के गुट में जाए, तो आखिर वो किसके गुट में जाकर के संगठन को मजबूत करें, तो वो अपने आप को पीछे खड़े रहना ही बेहतर समझेंगे कि हम किसी एक गुट का हिस्सा बनेंगे तो दूसरा गुट नाराज हो। यहाँ एक मुख्य विपक्ष है तो बार बार ये कह देने से कि ऑल इज वेल है और आंखें मूंद कर बैठ जाए तो इससे उन्हीं का नुकसान हो रहा है सबसे बड़ा। तो कांग्रेस आंखें ना मूंदे और अपनी अपनी झपली और अपना अपना राग की जो स्थिति है इसे एक मंच पर लाकर संगठित होकर बजाया जाए, ना कि अलग अलग प्राप्त होकर। जी ठीक है, आशीषपाल जी आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, उसके बाद सुनीता जी मैं आपका रुख करूंगी। अनम्यूट करें प्लीज शीषपाल जी। हाँ यशी जी, अब अनम्यूट हो गया? जी 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 यशी जी, देखिए ऐसा है कि मैंने सभी वक्ताओं की बात को बड़े ध्यान से सुना और सभी का कहना है कि कांग्रेस में, मैं पहले कह चुका हूं कि कांग्रेस के अंदर देखिए वैचारिक स्वतंत्रता है, वैचारिक लोकतंत्र है, यहाँ पर तानाशाही तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरह। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर यशी जी मैं आपको बता दूं, पिछला कार्यकाल आपको याद होगा 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बदले, बिना गुटबाजी के बदले 3 मुख्यमंत्री। अगर खटोरी देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ कि बिना गुटबाजी के 3 मुख्यमंत्री नहीं आए हैं, लेकिन देखिए वो बात अभी लागू नहीं होती। और कांग्रेस, मैं अभी इसी बात पर, देखिए शीशपाल जी रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए
मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अभी तक जब से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ उसके बाद से गुटबाजी की वजह से ही कांग्रेस को यह आज हार का सामना करना पड़ रहा है और आपको इस पर मंथन करने की जरूरत है बजाय इसके कि सब ठीक है। को भी करना पड़ा, अगर भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी सड़क पर नहीं आई तो तीन मुख्यमंत्री क्यों बदले और तीन मुख्यमंत्री छोड़िए चार प्रदेश अध्यक्ष वो अभी तक बदल चुके हैं, ये बिना गुटबाजी के बदल चुके हैं क्या खंडोजी? और देखिए कांग्रेस पार्टी की जहां तक आप बात कर रहे हैं गुटबाजी की, मैंने कहा यहाँ पर वैचारिक स्वतंत्रता है और अगर कोई बड़ा नेता कोई बड़ी ड्राइव चलाता है, सरकार के विरुद्ध ड्राइव चलाता है, मुद्दों के लिए ड्राइव चलाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और मैंने कहा कि अगर ठीक है कि क्या अगर हमारे नेता का बयान आए कि हमारे संज्ञान में प्रकरण नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रमों में दूर दराज में व्यस्त थे, उस समय संज्ञान में नहीं रहा होगा तो संज्ञान में कार्यक्रम आ जाएंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुल मिला के यहाँ पर बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो सड़कों पर उतरने की बात है, जो बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए बड़ी लकीर खींचने की बात है, तो कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक नेता अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कर रहा है। अगर ये लड़ाइयों का संदेश भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिलाने के लिए है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने स्तर से इस आंदोलन को जारी रखेगा और करेगा। ठीक है शीर्षपाल जी, मैं सुनीता जी का भी जवाब इस पर लेना चाहूंगी, इसके बाद वापस आऊंगी आपके पास। सुनीता जी, जी देखिए यशी जी, शीर्षपाल जी के बैक साइड में जो हाथ खड़े हो रखे हैं वो ऐसे ही नहीं हो रखे हैं, उनका मतलब है हाथ खड़े हो गए हैं कांग्रेस के, हम लोग एक प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, ये चार चार प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि सचिवालय कूच नहीं, उत्तराखंड कांग्रेस का कांग्रेस की फूट है और इन्होंने कहा कि भाजपा सहयोगी भी आमंत्रित है तो सहयोगी रहेगी भाजपा जरूर, लेकिन जामलेस यहाँ रूट है, आपका स्वागत है, हम लोग सहयोग जरूर देंगे। रही बात मतलब सुनीता विद्यार्थी शामिल हो रही है कार्यक्रम में, ये तो बहुत अच्छी बात है। बोला सुन लीजिए शीशबाज जी, आपका भी स्वागत है, आपको भी हम जरूर आमंत्रण देंगे, आप तो हमारे बड़े भाई रहे हैं पहले से ही भाजपा के, तो हमारी नीतियों से आप वाकिफ हैं और इसीलिए आप भी बहुत खुश हैं इस बात से कि चलो, है ना। दूसरी बात, पीसी थपलियाल जी ने बोला कि इंदिरा गांधी जी की तरह, अरुण भाई साहब इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे क्योंकि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत बड़ा इनका व्यक्तित्व तो है पत्रकारिता में। एक बार इंदिरा जी ने भी ऐसे ही किया था कि सारे दल इकट्ठे हो जाओ और फिर एक की तरफ जो है हम लोग धावा बोलेंगे, वैसा ही मोदी जी के टाइम पे भी हुआ, सारे दल इक्का दुक्का सब इकट्ठे हो गए, सभी दलों ने जो है हाथ पकड़ के अपना पूरा यूनाइटेड वो बनाया ग्रुप, उसके बाद देखा कि कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में पीसी थपलियाल जी अपने जीरो लॉ लश्कर के साथ जरूर सचिवालय कूच करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात जो मंथन और चिंतन की है, हम तो कहते हैं हम में जो भी हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा कहीं पे भी अगर कमियां नजर आती है तो हम उसको सुधारते हैं और हम चाहते हैं कि हम लोग ये करें, बार बार करें, ताकि हम लोग और सुदृढ़ बन के जनता के बीच में जाएं और लोगों तक जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाएं। हम लोग कभी व्यक्तिगत नहीं होते हैं, अभी आपने हिमाचल में देखा कैसे पप्पू सेना के जो हिम पुत्र पप्पू विद्यार्थी जी, आप जो है अपनी जनहित की नीतियां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी को क्यों नहीं समझा पा रही है, तीरथ सिंह रावत जी को क्यों नहीं समझा पा रही है, मतलब आपके यहाँ गुटबाजी का इससे बड़ा क्या सबूत है आप बताइए। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों को ही संभालने सुनिता जी, ये आपके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। शीश बाजी सुन लीजिए थोड़ा, देखिए आप देखो कंट्रोवर्सियल अगर आपके जनप्रतिनिधि बनते हैं कहीं पे तो अब आपका ही काम है उनको सुधारना कि पप्पू सेना मत बनाइए, हर राज्य से पप्पू इकट्ठे करके आप कांग्रेस का विनाश कर देंगे। पप्पू सेना से तो आज भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिली हुई है, क्यों घबरा रहे हो पप्पू सेना से? आज पप्पू सेना ही है जो देश के अंदर सामाजिक सौहार्द के मुद्दे बना दिया है, मूवमेंट बना दिया है, आज महंगाई और बेरोजगारी सुनीता जी घर घर में चर्चा का विषय बन गया है। सुनीता जी शीर्षपाल जी रुक जाइए प्लीज, पीसी थपलियाल जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप जी। सुनीता जी और शीर्षपाल जी आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, प्लीज 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 थपलियाल जी।
मैं ये कहना चाहता हूं कि जब शुरुआत से अभी शर्मा जी ने उदाहरण दिया कि कांग्रेस के ऐसे नारायण दत्त तिवारी को 5 साल नहीं करने दिया, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की शुरू में असंवैधानिक सरकार बनी थी उन्होंने 2 साल में 2 मुख्यमंत्री बदल दिए, नित्यानंद स्वामी और फिर कोश्यारी, और उसके बाद तो नहीं गोद में जाके बैठ गए बड़े बड़े आंदोलनकारियों के सपनों को तोड़ के, अपनी उसके, मलाई उसके के लिए देखे। फिर मैं मैडम मैडम मैं प्लीज बोलने दो, उसके बाद आपने बात करी कि दो सुनीता जी, सुनीता जी 2 मिनट दीजिए प्लीज, प्लीज हंगामा किया हुआ है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जय शाह जी ने ही आज महिलाओं को खंडूरी जी को जय शाह जी ईमानदार अधिकारी परिवारवाद का सबसे बड़ा, उन्होंने नहीं किया सबसे बड़ा सबूत जय शाह। अगर अमित शाह का पुत्र होने का लाभ नहीं ले रहे हैं क्या कर रहे हैं आप बताइए मैडम, क्रिकेट खेल मैं कुछ बोलूंगा, मैं पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा सुनीता जी और सुषमा जी के पास म्यूट कर दे प्लीज। जब ये बोल रही थी मैं इनके बीच में नहीं बोला, और मैं केवल ठीक है तापलिया जी आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए प्लीज। जी मैडम ईमानदार खंडूरी सैनिक जनरल खंडूरी इतना ईमानदार थे, उनको भी लमटा दिया संघ ने माफियों के द्वारा, और उसके बाद कुर्सी कब्जाई, उसके बाद फिर वापस जब चला नहीं तो वो वापस खंडूरी को लाए, फिर हारे, हारने के बाद फिर इन्होंने 3-3 मुख्यमंत्री बदले। इस गरीब राज्य में ताश की पत्ते की तरह मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस बदल रही है तो भाजपा उससे ज्यादा बदल रही है। ये मेरा कहने का मतलब है कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं जिन्होंने इस राज्य को बर्बादी के कगार पे खड़ा कर दिया है, और जो लोग ये इस तरह से एक तरफ बोल रहे हैं और दूसरी तरफ नहीं देख रहे तो लगता है कि वो भाजपा की पैरवी करने के लिए यहाँ पे आए हैं, वे दोनों तरफ बैलेंस करके नहीं बता रहे हैं कि यहाँ क्या था और वहां क्या था। और आज यहाँ तक सवाल जी ठीक है था फिलहाल जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। जिस तरीके से अरुण जी आप यहाँ पर सभी को सुन रहे हैं और एक लंबी खींचतान जो है वो चली आ रही है, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये भी समझना चाहूंगी, देखिये लोकसभा के चुनाव नजदीक है, करण महाराज इस बात को स्पष्ट कह रहे हैं, उनका एक वक्तव्य जो है वो क्लियर, मैं एक पूरा स्टेटमेंट मैं आपको बताती हूँ एज इट इज जो उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि इस घेराव के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और वो भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। इसका क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं जिसे शीशपाल जी स्वीकार नहीं कर रहे? अब देखिए करण महाराज जी को भी हाईकमान के सामने अपना फेस दिखाना है, और जब उनके सबसे बड़े नेता जो आज के हैं राहुल गांधी, जब वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं तो निश्चित तौर पर उनको भी इस प्रोग्राम में कोई ना कोई, इस राज्य में कोई ना कोई कार्यक्रम इस तरह का आयोजित करना था। और जिस तरह उन्होंने कॉल दी है कि वो सारे तीर्थ स्थलों का पानी, नदियों का पानी जो हमारी पवित्र नदियां हैं और तीर्थ स्थलों की मिट्टी ले जाकर वो वहां देंगे राहुल गांधी की यात्रा में, तो वो देखिए वो कांग्रेस का स्टैंड है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, पीसी थपलियाल जी पानी पी पी कर कोसते हैं कांग्रेस को, कभी भाजपा को जी, और आज तो ये लग रहा है कि वो कांग्रेस के साथ खड़े हो गए, आज की डिबेट में ये लग रहा है। अरे साहब, कांग्रेस ने और भाजपा ने अगर इस प्रदेश में राज किया है तो जनता के वोटों के आधार पर किया है। कांग्रेस 10 साल इस प्रदेश में राज किया, बाकी भाजपा ने 12 साल किया, लेकिन वो ऐसा थोड़ी है कि ऊपर से उनको टपका दिया गया था, वो इसी प्रदेश के जनता ने उनको वोट दिया, और आप जनता को बेवकूफ नहीं समझ सकते। और ये लग रहा है कि आप, क्योंकि आपके अंदर वो निराशा और हताशा जो यूकेडी नहीं कर पाई आज तक इस प्रदेश के अंदर, वो निराशा और हताशा आपके अंदर साफ झलकती है। अब आप जनता को बेवकूफ बता देते हैं, क्योंकि जनता, हमने जनता को बेवकूफ नहीं बताया मान्यवर, हमने कहा था कि पत्तों की तरह मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, ये जनता को सोचने दे रहा मैं, इस पार्टियों को सोचने दे रहा हूँ, गजब की बात है। बड़े पत्रकार समझ गए, अगर अगर कांग्रेस से, अगर कांग्रेस से 2 मुख्यमंत्री बनाए तो लोग आप कौन होते हैं बोलने वाले? अगर कांग्रेस ने नरेंद्र तिवारी को 5 साल लगाए तो आप कौन होते हैं? तो भाजपा ने अगर शुरुआत में अंतरिम सरकार में 2 मुख्यमंत्री रहते, उसके बाद खंडूरी निशंक, खंडूरी निशंक अदला बदली की, या उसके बाद 3 मुख्यमंत्री रह दिए, तो भाजपा का फैसला था, उसमें आप और मैं कौन होते हैं?
ये तो बता दो आप पर मैं डिबेट में आ रखे हैं जब हम अरुण जी ठीक है नहीं सुनिए जब इस प्रदेश के नीति नियम का दिल्ली में बैठे हैं मैं बार बार बोलता हूँ इस प्रदेश के नीति नियम का इस प्रदेश के लोग नहीं है वो केवल वोट देने का हक रखते हैं वो नेता चुनने का हक नहीं रखते आज तक बताइए मुझे भाजपा और कांग्रेस में कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री बना जो इस प्रदेश की जनता ने चुना हो क्या नरेंद्र तिवारी को चुना था या नित्यानंद स्वामी को चुना था या खंडूड़ी को चुना था जिस टाइम भाजपा ने अगर आपको याद हो 2012 के चुनाव में खंडूड़ी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया था खंडूड़ी खुद चुनाव हारे या 2017 में आप बताइए जहां हरीश रावत दो सीटों पर चुनाव लड़े और खुद को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके लड़े आलाकमान ने उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया तो बताइए मुझे वो दोनों सीटों पर हारे या नहीं हारे आप बताइए मुझे इस प्रदेश की जनता ने किसे मुख्यमंत्री चुना आज तक हफियाल जी हकीकत को स्वीकार करना सीखिए इस प्रदेश के नीति नियम का आप और मैं नहीं है इस प्रदेश के नीति नियम का दिल्ली में बैठे हैं चाहे वो दस जनपद वाले हो भाई मैंने यही बोला मैंने यही बोला आपने सुना नहीं तो मैं क्या कह रहा हूँ इसलिए आप दोष मत दीजिए दोष कहाँ दे रहा हूँ जनता केवल वोट देकर बहुमत देती है बाकी फैसला दिल्ली करते हैं क्योंकि आप आज तक सत्ता में नहीं आए इसलिए आपके हाथ में फैसला नहीं है क्योंकि आपके यहाँ तो 4-3-1 हुआ और वो जब भी 4-3-1 हुआ वो लगातार सत्ता की गोद में बैठे रहे और ये कड़वा सच निकालने की हिम्मत रखनी चाहिए ठीक है अरुण जी वापस आऊंगी मैं आपके पास शीशपाल जी अपनी बात को पूरा करें प्लीज देखिए ये सीधी मैं अपने बड़े भाई अरुण शर्मा जी को अभी सुन रहा था और आज ये बड़े क्रोध में है क्योंकि भी अभी कुछ दिन पहले नागपुर का दौरा करके आए थे और निश्चित तौर पर जो है नागपुर का असर झलक रहा है अच्छी बात है कोई बात नहीं वैचारिक स्वतंत्रता और ये स्वतंत्र पत्रकार है निश्चित इनमें अगर कुछ बुरा लगता है तो खूब खिंचाई करते हैं और उस खिंचाई से हम लोग सबक भी लेते हैं कोई बात नहीं लेकिन यशी जी मैं आपको कह रहा हूँ फिर आपको बता रहा हूँ कि इस राज्य में आज जो स्थितियां हैं कानून व्यवस्था की जो दुर्दशा है राज्य में आज लोगों को लगे न रहे यहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की चीज है और पुलिस के देखिए मैं आपकी इन सारी बातों को मानने के लिए तैयार हूँ मैं मान लेती हूँ कि उत्तराखंड में मेरी बात सुन लीजिए ना प्लीज मैं मान लेती हूँ कि उत्तराखंड में कुछ ठीक नहीं है मैं मान लेती हूँ कि सरकार काम नहीं कर रही मैं मान लेती हूँ कि बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है मैं सारी चीजें आपकी मानने के लिए तैयार हूँ आप मुख्य विपक्ष की भूमिका में हैं आपके अंदर इतनी गट होने चाहिए आपके अंदर आपको जनता के ने पावर दी है कि आप मुख्य विपक्ष की भूमिका में हैं और आप उनके मुद्दे उठाएं लेकिन अगर आप आपस में ही एक सेकंड रुक जाइए प्रीतम जी जो कर रहे हैं सुनिए शीशपा जी प्रीतम जी जो कर रहे हैं उसमें आपके करण महाराज जी इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं आपने अभी जब अपना लास्ट स्टेटमेंट दिया था उसमें आपने कहा था कि अगर वो मौजूद होंगे तो वो जरूर आएंगे और मैं आपको पेपर पर लिख के दे देती हूँ कि वो मौजूद नहीं होंगे और आप यही कहेंगे कि इस वक्त वो बिजी थे वजह से वो नहीं आए इसका हिस्सा नहीं बने अनम्यूट करें शीशपाल जी खुद को अनम्यूट करें प्लीज जी अगर इस तरीके से होगा तो जनता के मुद्दे आप उठा नहीं रहे हैं आप आपस में ही उलझे जा रहे हैं नहीं नहीं ये चीजें मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है ये आपको कहा कांग्रेस पार्टी का आज प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक नेता जाग चुका है उसे लगता है कि सड़कों पर उतर करके जो है सरकार के खिलाफ ये उचित समय खड़ा होने का क्योंकि आज जनता भी सड़कों पर उतरी हुई है बेरोजगार नौजवान लगातार सड़कों पर उतर के संघर्ष कर रहे हैं आप देखिए कि लंबे समय से यहाँ पर पेपर लीक प्रकरण में बेरोजगारों की नौकरी बेचे जाने के मामले में सीबीआई जांच की मांग लगातार बेरोजगार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी कर रही है समूचा विपक्ष कर रहा है सरकार नहीं सुन रही है बेटी अंकिता के मामले में सीबीआई की जांच की मांग लगातार समूचा विपक्ष और जनता कर रही है सरकार नहीं सुन रही है कानून व्यवस्था के मामले में लगातार जनता और विपक्ष संघर्ष कर रहा है सरकार नहीं सुन रही है अब सड़कों पे उतरने के अलावा क्या विकल्प है विधानसभा सत्र बुलाने की लगातार मांग नेता प्रतिपक्ष करते रहे जो सरकार ने नहीं सुनी आपके सड़क पर उतरने से हमें कोई दिक्कत नहीं है प्रीतम सिंह सड़क पर उतरे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वो मुद्दे उठा रहे बहुत अच्छी बात है हम यहाँ पर सिर्फ रार की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर अंदरूनी कलह की बात करें कि प्रीतम सिंह को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उनको करण महाराज से उन्होंने डिस्कस करना जरूर
जरूरी नहीं समझा। हरीश रावत को उनको के बारे हरीश रावत को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने एकला चलो की राह क्यों पकड़ी? जी मैंने कहा, देखिए प्रीतम सिंह जी जैसा थपलियाल जी कह रहे थे बड़े नेता हैं, उनका आधार जनाधार है, वो अगर स्वयं में सक्षम है सचिवालय घेरने में तो बुराई क्या है। कांग्रेस के पास ऐसे बहुत से छत्रप है, कांग्रेस पार्टी से इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है कि आप कांग्रेस एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ खड़ी होगी तो सरकार की क्या स्थिति होने वाली है आगामी विधानसभा सत्र में देखिए, इनको जवाब देने भारी पड़ेंगे। इसीलिए सत्र को गैरसैंण में बुलाने के लिए सरकार आनाकानी कर रही है और मुझे अभी यहीं से मैं कह रहा हूं ये देखिए सत्र दो तीन दिन में ही बंद करके ये भाग जाएंगे, पूरी चर्चा नहीं कराएंगे सरकार में मतदान नहीं देने का। हम लोग पिछले 20 साल का अगर इतिहास देखें कांग्रेस का, तो ये एकला चलो वाली नीति के कर्णधार जो है ना वो हरीश रावत जी हैं। जब उनकी जड़ें मजबूत हुई, पहले तो वो उछल कूदते रहे, पहले तो उछल कूद करते रहे, मुख्यमंत्री की किसी बात से किसी जांच से वो सहमत नहीं हो रहे हैं तो आप त्रिवेंद्र जी के घर भी आइए ना, जरा उनको भी समझाइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं पूछ पा रहे त्रिवेंद्र रावत जी से। शेषपाजी प्लीज हमारे पास सिर्फ दो मिनट है, शीशपाल जी हमारे पास सिर्फ दो मिनट है, हमें सुनीता जी को भी सुनना है। सुनीता जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद में संगीता जी आपके पास आऊंगी। अपनी पार्टी में कुछ नहीं दिखाई देता सुनीता जी, ये चश्मा बदलिए। नहीं फिर आप इनको म्यूट कर दीजिए भाई, ये कैसे नहीं मानेंगे। सुन लीजिए भाई, गलत बोलूंगी तो अपनी छोटी बहन को रोक देना, मैं बिल्कुल एक शब्द नहीं बोलूंगी। देखिए पिछले 20 साल का इतिहास रहा है हरीश रावत की, जब जड़ें मजबूत हुई कांग्रेस पार्टी में तो वो एकला चलो नीति में चल पड़े, चाहे ट्विटर के माध्यम से, चाहे वो हेलो व्हाट्सएप इसके माध्यम से, ऐसा ऐसा चलता रहा। वाह सुनीता जी, बड़े अच्छे शब्द सुनकर लाए आप। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ। देखिये शोले मूवी सभी ने देखी होगी, वहां पे एक जेलर हुआ करता था। अब वो जेलर दो लाइने लेकर जो है अपने सिपाहियों की अंदर जेल में जाता है कैदियों से मिलने, तो वो कहते हैं कि ये कर्ण महाराज की जो है मेरे पीछे दाएं तरफ लाइन है और इधर को जो है वो हरीश रावत की लाइन है, और वो कहते हैं कि दाहिनी लाइन दाएं चलो, बाईनी लाइन बाएं चलो, और बाकी जितने बचे वो मेरे पीछे आओ। तो यही होने वाला है प्रीतम जी, जब जाएंगे सचिवालय तो पीछे कोई नहीं होगा। तो ये मंथन बहुत सीरियस है, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें एक मजबूत विपक्ष चाहिए। हमें भाई पप्पू सेना से हम लोग ऊब गए, सीधी सी बात है, जनता का नुकसान हो रहा है इनके कमजोर नेतृत्व के कारण। अब जो है जनता चाहती है, देखो आप खड़ी है, आप जोर लगा रही है, और मैंने बोला ये बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया है संगीता जी। सुनीता जी आज पूरे फॉर्म में है, आज पूरी तैयारी करके आए हैं। जैसे कि कांग्रेस ने अपनी स्थिति को कितना हास्यास्पद बना दिया है जी, कि आज वो कहाँ आके खड़ी है, सोचिए कि कैसे कैसे शब्द आज कांग्रेस के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अब तो कम से कम कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि हम एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और एकजुट हो जाएं। संगीता जी देखिए यही प्रॉब्लम है कांग्रेस की, कि कांग्रेस को ये बात समझनी होगी कि जो रार है उसे स्वीकारें और उसे ठीक करें, लेकिन दिक्कत यही है कि कांग्रेस इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है, यही बड़ी प्रॉब्लम है। और जब तक ये यशी जी स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ये गर्त में जाते रहेंगे, और किसी भी राज्य में जहां इनकी सरकार होगी एक मजबूत विपक्ष नहीं होगा, जनता के जो मुद्दे हैं वो यूं ही धराशायी होते रहेंगे। संगीता जी जहां आपका प्रभाव दिखता है ना इनको, ये अपने आप भाग जाते हैं, आप देख लीजिए रिजल्ट बाकी राज्यों में। चलिए ठीक है, अभी तो हिमाचल और गुजरात का रिजल्ट आना ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बता दें आपको कि आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस में बिखराव और तस्वीर, आपको बता दें कि इस वक्त अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर कांग्रेस में रार जो है वो साफ देखने को मिल रही है, और प्रीतम सिंह एकला चलो की राह पे निकल पड़े हैं। हालांकि इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है, और लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा वो भी देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ जरिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजककर्ता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।
राजश्री इलायची दर्शन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चारों तरफ फैली है लाचारी, डेंगू बन रहा है महामारी, अस्पतालों में मचा है चित्कार,